हेलो स्टूडेंट्स, अभिषेक राघव हियर। आज बायोलॉजी में हम बात करेंगे वायरस के बारे में, वायरॉइड्स के बारे में, लाइकेंस के बारे में एंड प्रायोन्स के बारे में। बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन में आता है ये हमारा चैप्टर नंबर सेकंड है क्लास 12 का। ओके, फर्स्ट स्टार्टिंग विद द फर्स्ट वन, जो वायरसेस हैं, वायरसेस आर क्रिस्टल लाइक स्ट्रक्चर, क्रिस्टल लाइक स्ट्रक्चर which are living when present inside a living organism, जब किसी living organism के अंदर present होंगे तो ये living होंगे, and non-living when present outside, in external environment, तो उन्हें हम क्या कहते हैं, वायरियन, called वायरियन, यानी कि inert, inactive वायरस। क्या कहेंगे उसे हम, इनएक्टिव वायरस। ओके, पुराने समय से ही स्मॉल पॉक्स एंड पोलियो, स्मॉल पॉक्स और पोलियो, ये जो बीमारियां हैं, दीज आर कॉज्ड बाय वायरसेस। ओके, और एडवर्ड जेनर produce anti-vaccine against smallpox. Okay, साथ के साथ Louis Pasteur produce anti-rabies vaccine, which is given when a mad dog bites to an human being. Okay, तो जो वायरस है वो क्या है हमारे, लिविंग होंगे कब, जब वो किसी लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर प्रेजेंट है। ओके, और नॉन लिविंग होंगे जब वो बाहर के एनवायरमेंट में मौजूद है, और उन्हें हम क्या कहते हैं फिर, वायरियन। ओके, जो टर्म है वायरस, दिस वॉज गिवन बाय इवॉन्स्की 1892 में। इस टर्म के बारे में बताया इवॉन्स्की। ओके, फाइंड दिस टर्म। ओके, यहां पे एक वर्ड आता है एर्बो वायरस। Those virus which use arthropods as vector for transfer from one organism to another, तो उसे हम कहते हैं अर्बो वायरस। क्या कहेंगे उसे हम, अर्बो वायरस कहेंगे। ओके, नाउ वी विल टॉक अबाउट द शेप ऑफ वायरस। जो वायरस है उनकी शेप किस तरीके की होती है। ओके, इट इज मेनली ऑफ थ्री टाइप, तीन तरीके से है। फर्स्ट इज हेलिकल, इन केस ऑफ TMV टोबैको मोजाइक वायरस के केस में। ओके, सेकेंड इज क्यूबॉइडल इन केस ऑफ पोलियोमाइलिटिस। थर्ड इज बाइनल, मीन्स बोथ, दोनों हेलिकल एंड क्यूबॉइडल।
जिसमें दोनों केसेस होंगे, हेलिकल भी होगा और क्यूबॉइडल भी होगा। एग्जाम्पल है इसका बैक्टीरियोफेज, बैक्टीरियोफेज। ओके, तो ये स्ट्रक्चर शो किया हुआ है यहाँ पे बैक्टीरियोफेज का, और ये स्ट्रक्चर शो किया हुआ है टीएमवी, टोबैको मोज़ेक वायरस का। ओके, देन वी टॉक अबाउट क्लासिफिकेशन ऑफ वायरस, वायरस का जो क्लासिफिकेशन है, क्लासिफिकेशन ऑफ वायरस। तो जो क्लासिफिकेशन है वायरस का, दो ग्रुप में है। फर्स्ट इज डिओक्सी वायरा, सेकेंड इज राइबो वायरा। डिओक्सी वायरा का मतलब है डीएनए वायरसेस, और राइबो वायरा का मतलब है आरएनए वायरसेस, आरएनए वायरसेस। ओके, तो जब हम बात कर रहे हैं डिओक्सी वायरा के बारे में, तो इसमें तीनों शेप होती हैं। फर्स्ट डिओक्सी हेलिकल, डिओक्सी क्यूबॉइडा, एंड थर्ड डिओक्सी बाइनेला। ओके, जबकि राइबो वायरस के केस में फर्स्ट दो शेप होंगी सिर्फ, राइबो हेलिकल एंड सेकेंड विल बी राइबो क्यूबॉइडिया, राइबो क्यूबॉइडिया। इज दैट क्लियर? ओके, फिर आगे इसमें हम बात करते हैं टाइप्स ऑफ वायरसेस, टाइप्स ऑफ वायरसेस किसके बिहाफ पे, ऑन द बेसिस ऑफ होस्ट, कि वो किस ऑर्गेनिज्म को अफेक्ट कर रहे हैं। ओके, टाइप्स ऑफ वायरसेस किसके बिहाफ पे, ऑन द बेसिस ऑफ देयर होस्ट, किसको अफेक्ट कर रहे हैं। तो ये तीन तरह के हैं, थ्री टाइप्स। किसने बताया? होम्स, होम्स ने बताया 1948 में। ओके, क्या बताया? फर्स्ट प्लांट वायरसेस, प्लांट वायरसेस। ओके, जो प्लांट वायरसेस हैं। सेकंड एनिमल वायरसेस, जो एनिमल्स को अफेक्ट करेंगे। फर्स्ट जो प्लांट को अफेक्ट कर रहे हैं, सेकंड जो एनिमल को अफेक्ट कर रहे हैं। क्या कह देंगे हम? फाइटोफैगिनी एनिमल वायरसेस को हम क्या कह देंगे? जू फैगिनी। और थर्ड जो लोअर ऑर्गेनिज्म को अफेक्ट कर रहे हैं, उन्हें हम कहेंगे फैगिनी, जो अफेक्ट कर रहे हैं लोअर ऑर्गेनिज्म को। ओके, देन इसके बाद हम बात करते हैं किसके बारे में, अबाउट कंपोनेंट्स ऑफ ए वायरस, कि जो वायरस है उसके कंपोनेंट्स कौन कौन से हैं, उसके पार्ट्स कौन कौन से, स्ट्रक्चर कैसी है, स्ट्रक्चर ऑफ वायरस, स्ट्रक्चर ऑफ वायरस, वायरस की स्ट्रक्चर के बारे में हम बात करेंगे। सबसे पहला पॉइंट आता है इसमें न्यूक्लियोइड। सबसे पहला पॉइंट क्या है? न्यूक्लियोइड। ओके, जो न्यूक्लियोइड है सिंगल मॉलिक्यूल, सिंगल मॉलिक्यूल ऑफ जेनेटिक मटेरियल, सिंगल मॉलिक्यूल ऑफ जेनेटिक मटेरियल इज प्रेजेंट, जो कैसा हो सकता है, विच कैन बी लीनियर और सर्कुलर, जो लीनियर भी हो सकता है या सर्कुलर, ठीक है, या तो आइदर डीएनए और आरएनए, या तो डीएनए प्रेजेंट होगा या आरएनए प्रेजेंट होगा, दोनों एक साथ प्रेजेंट नहीं हो सकते। ओके, तो अगर डीएनए प्रेजेंट है, और यहां पर मेंशन कर देते हैं आरएनए, तो डीएनए प्रेजेंट है तो हो सकता है डीएस डीएनए, डबल स्ट्रैंडेड डीएनए प्रेजेंट हो, जैसे होता है किसके केस में,
इन केस ऑफ सिमियन वायरस के केस में, किसके केस में प्रेजेंट है? सिमियन वायरस के केस में, बैक्टीरियोफेज के केस में. बैक्टीरियो फेज के केस में सेकंड क्या हो सकता है? सिंगल स्टैंडर्ड डीएनए. दूसरा क्या हो सकता है? सिंगल स्टैंडर्ड डीएनए, जैसे कि कॉलीफेज, कॉलीफेज के केस में. ओके, अगर आरएनए प्रेजेंट है, आरएनए कैसे हो सकता है? डबल स्टैंडर्ड आरएनए रियोवायरस के केस में, रियोवायरस. और सेकंड क्या हो सकता है? सिंगल स्टैंडर्ड आरएनए. और ये हमने बात करी है किसके केस में? रेट्रोवायरस, रेट्रोवायरस के केस में. ओके, सेकंड आता है इसका पार्ट, सेकंड इज एनवेलप. सेकंड पार्ट इज एनवेलप, जो कवरिंग है. तो वायरस की जो कवरिंग है, एनवेलप ऑफ वायरस इज मेड अप ऑफ प्रोटीन. किसका बना होता है? प्रोटीन का बना होता है. और क्या कहते हैं उसे हम? कॉल्ड कैप्सिड. क्या कहेंगे उसे हम? कैप्सिड कहेंगे. ओके, जो कैप्सिड है, कैप्सिड कंटेन्स स्मॉल यूनिट्स कॉल्ड कैप्सोमर्स. क्या कहेंगे उसे हम? कैप्सोमर्स. किसके केस में? इन यहां पे मेंशन किया है टीएमवी, टीएमवी के केस में. ओके, तो ये जो स्ट्रक्चर है बैक्टीरियोफेज की हम बात कर रहे हैं पहले, ये कैप्सिड है और इसके अंदर ये क्या प्रेजेंट है? न्यूक्लियोइड. ओके, तो ये किस चीज का बना हुआ है? प्रोटीन का बना हुआ है. ये इसका टेल रीजन हो गया, ये इसकी बेस प्लेट, और ये हो गई टेल फाइबर्स. और ये टेल फाइबर्स हेल्प करती है किस चीज में? अटैच करने में बैक्टीरियोफेज को किसके साथ? बैक्टीरिया के सरफेस के साथ. ओके, ये टीएमवी का है. ये जो रेड से शो किया हुआ है, ये क्या है? न्यूक्लिक एसिड. क्या है ये? न्यूक्लिक एसिड, यानी कि जेनेटिक मटेरियल. और ये जो यूनिट्स हैं, ये हैं कैप्सोमर्स. क्या है ये? कैप्सोमर्स. ओके, फिर जो कैप्सोमर्स से स्मॉल सब यूनिट है, सब यूनिट इज कॉल्ड पेप्लोमर्स. उसे हम क्या कहेंगे? टेप्लोमर्स कहेंगे. और जो स्मॉल सब यूनिट है उसे हम क्या कहेंगे? टेप्लोमर्स. साथ के साथ प्रेजेंट रहती है यहां पे स्पाइक्स, स्पाइक्स आर आल्सो प्रेजेंट. ऑन द सरफेस, सरफेस पे क्या प्रेजेंट है? स्पाइक्स प्रेजेंट है. ओके, और ये कैसी है? आउटग्रोथ, आउटग्रोथ ऑफ वायरस, वायरस की जो आउटग्रोथ्स हैं. ओके, फिर कौन कौन से एंजाइम्स प्रेजेंट हैं? कौन कौन से एंजाइम्स प्रेजेंट होते हैं वायरस के केस में? थर्ड जो पॉइंट है इसमें हमारा, फर्स्ट न्यूक्लियोइड, सेकंड एनवेलप, एंड थर्ड वन इज अबाउट एंजाइम्स. थर्ड हेडिंग हो गया हमारा यहां पे एंजाइम्स. कौन कौन से एंजाइम्स, एंजाइम्स प्रेजेंट इन वायरस, कौन कौन से एंजाइम्स प्रेजेंट हैं वायरस के अंदर? ओके, तो हमने पढ़ा है रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज, रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज. सेकेंड हमने पढ़ा है आरएनए पॉलीमरेज, आरएनए पॉलीमरेज. साथ के साथ थर्ड आरएनए ट्रांसक्रिप्टेज, आरएनए ट्रांसक्रिप्टेज. एंड फोर्थ वन इज न्यूरो एमिनिडेज, न्यूरो एमिनिडेज. तो ये एंजाइम्स हैं जो प्रेजेंट होते हैं किसमें? वायरस के केस में. नेक्स्ट आता है इसमें कैसे रिप्रोड्यूस करते हैं, रिप्रोडक्शन
इन वायरस, वायरस के अंदर किस तरीके से रिप्रोडक्शन होता है। ओके तो यहां पे दो फेज हैं, दो तरीके हैं। फर्स्ट इज पिनोसाइटिक, फर्स्ट इज पिनोसाइटिक, सेकंड इज फैगिक, सेकंड इज फैगिक। पिनोसाइटिक के केस में क्या होगा, व्हेन वोल वायरस एंटर इनटू द होस्ट, जब पूरे का पूरा वायरस ही होस्ट सेल के अंदर एंटर कर जाएगा। फैगी के केस में ओनली न्यूक्लियोइड इज ट्रांसफर्ड, ओनली न्यूक्लियोइड इज ट्रांसफर्ड इन होस्ट, सिर्फ न्यूक्लियोइड अंदर जाएगा। जो फैगिक है ये भी दो तरीके से है, जो फैगिक है ये भी दो तरीके से है। फर्स्ट इज लाइटिक, सेकंड इज लाइसोजेनिक। फर्स्ट इज लाइटिक फेज, सेकंड आता है लाइसोजेनिक फेज। ओके जो फर्स्ट है लाइटिक फेज, लाइटिक फेज के केस में क्या होगा, इसे क्या कहा जाता है, वायरुलेंट फेज, वायरुलेंट फेज, बिकॉज इट डिग्रेड द जेनेटिक मटेरियल, डिग्रेड द जेनेटिक मटेरियल ऑफ होस्ट एंड मेक इट्स ओन कॉपीज एंड मेक इट्स ओन कॉपीज, अपनी कॉपी बनाता है। जबकि लाइसोजेनिक के केस में क्या होगा, ये कैसा है, नॉन वायरुलेंट, नॉन वायरुलेंट, क्या करेगा, प्रोड्यूसेस रिप्रेसर, क्या प्रोड्यूस करेगा, ये रिप्रेसर प्रोड्यूस करेगा, प्रोड्यूसेस रिप्रेसर। ओके फिर इसके बाद हमारा आता है एक इक्लिप्स पीरियड, एक टर्म आती है इक्लिप्स, इक्लिप्स पीरियड, इक्लिप्स पीरियड हम किसे कहते हैं, टाइम पीरियड, टाइम पीरियड किसके बीच में, बिटवीन एंट्री ऑफ वायरल, वायरस इन होस्ट एंड बस्टिंग, बस्टिंग ऑफ होस्ट सेल। भाई टाइम पीरियड कितना टाइम, वायरस ने कब एंटर किया होस्ट सेल के अंदर और कब उस होस्ट सेल को क्या कर दिया, बस्ट कर दिया। ओके और उसकी वजह से क्या होगा, रिलीजेस न्यू वायरस, क्या रिलीज कर रहे हैं, नए वायरस रिलीज कर रहे हैं। ओके इसके बाद नेक्स्ट हम बात करते हैं वायरॉइड्स के बारे में। सेकंड वन इज अबाउट वायरॉइड्स, जो वायरॉइड्स हैं क्या है, स्मॉलेस्ट आरएनए पार्टिकल्स, स्मॉलेस्ट आरएनए पार्टिकल्स विदाउट द कैप्सिड, हैविंग स्मॉल मॉलिक्यूलर वेट, स्मॉल मॉलिक्यूलर वेट, किसने ऑब्जर्व किया, डिस्कवर किया, डिस्कवर बाय डायनर, डी आई ई एन ए आर, किसने डिस्कवर किया, इन्हें डायनर ने डिस्कवर किया। ओके और कैसे है ये, सेल्फ रेप्लिकेटिंग, सेल्फ रेप्लिकेटिंग। ओके और उसमें भी आरएनए डिपेंडेंट, आरएनए डिपेंडेंट रेप्लिकेशन भी कर सकते हैं ये, यानी कि आरएनए से भी रेप्लिकेट कर सकते हैं, साथ साथ डीएनए डिपेंडेंट रेप्लिकेशन, दोनों तरीके से। ओके डिसीज कॉज करते हैं, कॉजेज डिसीज ओनली इन प्लांट्स, प्लांट्स में ही डिसीज कॉज करते हैं। एग्जाम्पल है इसका पोटैटो स्पिंडल ट्यूबर, और ये जो डिसीज है किसकी वजह से होती है, दिस डिसीज इज कॉज्ड बाय वायरॉइड्स,
पैरॉइड्स की वजह से। ओके अगला आता है इसमें प्रायोन्स, अगला आता है इसमें हमारा जो टॉपिक है दैट इज प्रायोन्स। ओके किसने डिस्कवर किया? प्रूसाइनर। जो टर्म है प्रायोन्स किसने दिए? प्रूसाइनर ने। कब? 1983 में। क्या है प्रायोन्स? दीज आर इन्फेक्शन कॉजिंग प्रोटीन पार्टिकल्स, इन्फेक्शन कॉज करने वाले प्रोटीन पार्टिकल्स हैं। किसकी वजह से हैं ये? ड्यू टू म्यूटेशन इन पीआरएनपी जीन। किसकी वजह से? पीआरएनपी जीन में क्या आया है? इसमें चेंज आया है। ओके तो होता क्या है, जो प्रायोन्स हैं कैटलिस्ट नॉर्मल प्रोटीन इनटू प्रायोन्स, नॉर्मल प्रोटीन्स को कैटलाइज कर देते हैं किसमें? इनटू द प्रायोन स्टेट। ओके और इनके ऊपर नॉट अफेक्टेड बाय हाई टेम्परेचर, यूवी रेज, एंजाइम्स, इनका प्रायोन्स के ऊपर कोई असर नहीं पड़ता। ओके और ये क्या करते हैं? एक्यूमुलेट इन न्यूरल टिश्यू एंड क्या करेंगे उन्हें? डीजनरेट देम। ओके एग्जाम्पल, कौन सी डिसीज कॉज करते हैं? मैड काउ डिसीज एंड स्कैरपाई डिसीज इन शिप। ओके देन नेक्स्ट लास्ट हमारा आता है किसके बारे में? अबाउट द लाइकन्स के बारे में। जो लाइकन है, दिस टर्म वॉज गिवन बाय थियोफ्रेस्टस। जो लाइकन टर्म है किसने दिए? थियोफ्रेस्टस। थियोफ्रेस्टस और लाइकन है क्या? एक म्यूचुअल या सिंबायोटिक एसोसिएशन ऑफ, मेंशन कर लेते हैं यहां पर, फंगस और एल्गी का एसोसिएशन है। ओके और फंगस वाला जो पार्ट है उसे हम कहते हैं माइकोबायोंट। ओके एल्गी वाला जो पार्ट है उसे हम कहते हैं फाइकोबायोंट। और कौन सा फंगस इन्वॉल्व रहता है मेनली? एस्कोमाइसिटिस और कुछ स्पीसीज हैं बेसिडियो माइसिटिस की, ये इन्वॉल्व है किसमें? लाइकन में। ओके जो एल्गी है ये क्या काम करता है? हेल्प इन प्रिपरेशन ऑफ फूड, क्योंकि इसका नेचर कैसा है? बिकॉज ऑफ इट्स फोटोसिंथेटिक नेचर। क्योंकि इसका नेचर कैसा है? फोटोसिंथेटिक है। ओके जबकि फंगस के तीन मेन फंक्शन है, किस चीज में हेल्प करेगा? एंकोरिंग, जोड़ के रखने में विद सबस्ट्रेट के साथ जोड़ के रखने में। सेकंड जो फंक्शन है इसमें हमारा दैट इज प्रोवाइड कराएगा बॉडी स्ट्रक्चर, क्या प्रोवाइड कराएगा? बॉडी स्ट्रक्चर और कवरिंग प्रोवाइड कराएगा। और थर्ड पॉइंट इसमें हमारा है प्रोवाइड वाटर एंड मिनरल, क्या प्रोवाइड कराएगा? वाटर एंड मिनरल। ओके और उसी की हेल्प से फिर ये क्या बनाएंगे? खाना बनाएंगे। इज दैट क्लियर?
ओके फिर आता है इसमें जो टाइप्स हैं, टाइप्स ऑफ लाइकन्स, टाइप्स ऑफ लाइकन्स किसके बिहाफ पे है, ऑन द बेसिस ऑफ देयर स्ट्रक्चर, स्ट्रक्चर के बिहाफ पे. ओके फर्स्ट वन इज क्रस्टोज, सेकेंड इज फॉलियोज, थर्ड वन इज फ्रुक्टियोज. क्रस्टोज लाइकन, फॉलियोज लाइकन एंड फ्रुक्टियोज लाइकन. ओके जो फर्स्ट है हमारा कौन सा, क्रस्टोज लाइकन, क्रस्ट लाइक स्ट्रक्चर, क्रस्ट लाइक स्ट्रक्चर. कैसी स्ट्रक्चर है इसकी, क्रस्ट लाइक स्ट्रक्चर. ओके अटैच्ड विद सरफेस या सबस्ट्रेटम, किसके साथ जुड़ा हुआ है, सबस्ट्रेटम के साथ जुड़ा हुआ है. फॉलियोज लीफ लाइक स्ट्रक्चर है, और फ्रुक्टियोज कैसे स्ट्रक्चर है, बशेज लाइक स्ट्रक्चर, झाड़ियों के जैसी इसकी स्ट्रक्चर है. ओके और साथ साथ ही कैसा है, ब्रांच्ड, कैसा है ये, ब्रांच्ड है. ओके देन आगे इसमें हम बात करते हैं कैसे रिप्रोडक्शन होता है, रिप्रोडक्शन इन लाइकन्स. रिप्रोडक्शन इन लाइकन, कैसे रिप्रोडक्शन होगा लाइकन में. ओके तो जो फर्स्ट है इसमें दैट इज फ्रेगमेंटेशन, फ्रेगमेंटेशन दो से तीन पार्ट में टूट जाते हैं, एयर की हेल्प से वो एक जगह से दूसरी जगह ले जाए जाते हैं और फिर वो वहां पे जाके क्या करेंगे, रिप्रोड्यूस करेंगे. ओके सेकेंड है इसमें प्रोग्रेसिव डेथ यानी कि जो लाइकन का पार्ट है वो दो से तीन पार्ट्स में टूट जाएगा और उसी जगह पे फिर वो एक नया लाइकन ग्रो कर देगा. ओके थर्ड वन इज इसीडिया और इसीडिया के केस में होता है क्या, ये आउटग्रोथ ऑफ लाइकन, आउटग्रोथ है ये किसकी, लाइकन की, और किस चीज के लिए, फॉर इंक्रीजिंग एरिया. ओके एंड जो फोर्थ है सॉरिडिया और सॉरिडिया क्या है, ये लाइकन प्रोपेग्यूल्स हैं, लाइकन प्रोपेग्यूल्स. ओके कैरिड बाय एयर करंट की वजह से उन्हें एक जगह से दूसरी जगह पे ले जाया जा सकता है. ओके और इसमें फिर लास्ट हमारा आता है किसके बारे में, अबाउट इंपोर्टेंस ऑफ लाइकन्स, लाइकन का क्या इंपोर्टेंस है. ओके सबसे पहला है क्या, एयर पॉल्यूशन इंडिकेटर यानी कि जहां पे एयर पॉल्यूशन होगा वहां पे लाइकन ग्रो नहीं कर सकता, और स्पेशली किसके रिगार्डिंग, SO2 सल्फर डाइऑक्साइड के रिगार्डिंग. सेकंड पॉइंट क्या था हमारा, एक्ट एज पायोनियर कम्युनिटी ऑन बैरन रॉक्स फॉर इकोलॉजिकल सक्सेशन. सबसे पहले यही एस्टैब्लिश होते हैं किसके ऊपर, बैरन रॉक के ऊपर. ओके तो ये एग्जांपल है किसका, पायोनियर कम्युनिटी का. पहले क्या होगा, लाइकन ग्रो करेंगे, उसके बाद फिर यहां पे मॉसेस एंड देन हर्ब्स श्रब्स इस तरीके से. 12th में टॉपिक आता है हमारा कंप्लीट. ओके थर्ड वन इट प्रोवाइड फूड प्रोवाइड कराता है, साथ के साथ डाई प्रोवाइड कराता है. ओके और यहां पे एग्जांपल आता है ऑर्सिन डाई,
और सिन जो कि क्या है, बायोलॉजिकल स्टेन, बायोलॉजिकल स्टेन है. ओके एंड लास्ट वन मेडिसिंस. मेडिसिंस में भी यूसनिक एसिड, यूसनिक एसिड जो हमें मिलती किससे, यूसनिया से, जो कि एक तरह का क्या है, लाइकन है. ओके साथ के साथ क्लेडोनिया, क्लेडोनिया में भी कैसा है, हैज एंटीबायोटिक प्रॉपर्टी. कैसी हैं इसकी एंटीबायोटिक प्रॉपर्टीज हैं. साथ के साथ हमें परफ्यूम्स भी मिलती हैं किससे, लाइकन्स. ओके तो ये हमारा था किसके बारे में, वायरस, वायरस, लाइकन्स एंड प्रांस के बारे में. ओके थैंक यू.